केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। देश दुनिया और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं केलांचल टॉप 10। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंधों की समीक्षा, कहा सतर्कता की जरूरत। कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद दुनिया भर में मचे हड़कंप के बीच पीएम मोदी ने शनिवार को कोविड-19 और टीकाकरण पर शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को दक्षिण अफ्रीका में आए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और इससे प्रभावित देशों के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से नए उभरते साक्ष्यों के मद्देनजर अधिकारियों से कोविड के कारण लागू अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने की योजना की समीक्षा करने को कहा। कृषि कानून वापसी के बाद मोदी सरकार ने किसानों की एक और मांग मानी। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने किसानों की एक और मांग मान ली है। किसानों का खेतों में पराली जलाना अब अपराध नहीं होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, किसान संगठनों ने किसानों द्वारा पराली जलाने को अपराध से मुक्त करने की मांग की थी। तोमर ने कहा कि भारत सरकार ने भी इस मांग को स्वीकार कर लिया है। नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण आईसीसी ने रद्द किया महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने के तेजी से प्रसार के कारण आईसीसी ने पड़ोसी देश जिम्बाब्वे में चल रहे महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वालिफायर को रद्द कर दिया है। आईसीसी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है। हरारे में खेले जा रहे क्वालिफायर में बांग्लादेश, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज को आईसीसी रैंकिंग में टॉप टीम होने के कारण वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई घोषित कर दिया गया है। किसानों का 29 नवंबर को होने वाला ट्रैक्टर मार्च टला। किसानों का 29 नवंबर को होने वाला ट्रैक्टर मार्च स्थगित हो गया है। अब 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें सरकार के रुख की समीक्षा करने अगली रणनीति बनाई जाएगी। पंजाब के किसान संगठनों ने सरकार के रुख में नरमी बरतते हुए मार्च पर अपना अड़ियल रवैया छोड़ दिया है। सस्ते में सोना खरीदने का मौका, सोमवार से खुलेगी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। सरकार आपको एक बार फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का मौका दे रही है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 के तहत 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक सोने में निवेश का मौका मिलेगा। इस समय सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए 4,791 रुपए प्रति ग्राम का भाव तय कर दिया है। अब खबर झारखंड से। आज गोड्डा में दिनांक 27 नवंबर 2021 को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में के तहत गोड्डा जिले के नगर परिषद के अंतर्गत वार्ड नंबर 5 सहित 5 पंचायतों में आयोजित किए गए, जिसमें गोड्डा प्रखंड अंतर्गत कंभारा, पथरगामा प्रखंड अंतर्गत माछी टाण पंचायत में, महागामा प्रखंड अंतर्गत महागामा पंचायत में, ठाकुर गंगटी प्रखंड अंतर्गत बुधवाचक पंचायत, पोड़ैया हाट प्रखंड अंतर्गत पिंडरा हाट पंचायत में विभिन्न योजनाओं का आवेदन प्राप्त करने एवं आम जनों की समस्याओं के समाधान के लिए शिविर आयोजित किया गया। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को सुरुजुडी पंचायत भवन के मैदान में आमजन की समस्या के समाधान के लिए शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन का लाभ, श्रम निबंधन का लाभ, जमीन के संबंधित मामला, मनरेगा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, आधार निबंधन आदि सभी सरकारी योजनाओं सहित पंचायत की वैसे समस्याएं जिसमें आम लोग जूझ रहे हैं, उन सभी समस्याओं का निराकरण इस शिविर के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही JSLPS के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी गई एवं सुरजू डी पंचायत अंतर्गत 40 सखी मंडलों के लिए सामुदायिक निवेश कोष की कुल 11 लाख का परिसंपत्ति वितरण भी किया गया। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत झारखंड सरकार द्वारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से पंचायतवार कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इसी संबंध में आज संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में साहेब गंज प्रखंड के हाजीपुर पूर्व पंचायत, पतना प्रखंड के छोटा रंगा पंचायत, कार्यक्रम के दौरान संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी जन प्रतिनिधि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया।
अध्यक्ष झारखंड राज्य खाद्य आयोग हिमांशु शेखर चौधरी की अध्यक्षता में मीडियागणों के साथ जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के सफल क्रियान्वयन हेतु किए जा रहे प्रयासों के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री चौधरी ने पत्रकारों से संवाद करते हुए बताया कि राज्य खाद्य आयोग का उद्देश्य केवल जन वितरण प्रणाली की दुकानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आयोग राज्य से कुपोषण को हटाने, आंगनवाड़ी केंद्रों, जन वितरण प्रणाली की दुकानों आदि में खाद्यान्न की आपूर्ति एवं लाभुकों को समय खाद्यान्न उपलब्ध कराने, मिड डे मील में पारदर्शिता लाने एवं खाद्यान्न आपूर्ति से संबंधित सभी सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी या अनियमितता को दूर करने के लिए कटिबद्ध है। गरीबी में झारखंड बस बिहार से बेहतर, रांची से ज्यादा अमीरी जमशेदपुर में, सबसे ज्यादा गरीबी चतरा में। नीति आयोग ने जारी की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक। गरीबी में झारखंड की आबादी देश में दूसरे स्थान पर है। झारखंड उन तीन राज्यों में शामिल है जहां सबसे अधिक गरीबी है। यहां पर 42.16% आबादी अपना जीवन गरीबी में बिता रही है। गरीबी में झारखंड से आगे बस एक राज्य बिहार है। इसका खुलासा नीति आयोग की ओर से जारी पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि MPI रिपोर्ट में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के TOP 3 टॉप 3 निर्धन राज्यों में शामिल है। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही करते हैं, जल्दी दबाओ।